स्वच्छता अभियान के जनक संत श्री गाडगे जी महाराज की जयंती के अवसर पर एक विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ संत श्री गाडगे भवन बूढ़े बालाजी स्थल पर समाप्त किया गया। चल समारोह का जगह जगह समाज बंधु एवं अन्य लोगों ने स्वागत भी किया। संत गाडगे भवन पहुंचने पर एक समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं गुना विधायक गोपीलाल जाटव मौजूद रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के द्वारा संत श्री गाडगे महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया गया एवं दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। समाज बंधुओं के द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया। सभा स्थल पर मुख्य अतिथि के द्वारा सभी को संबोधित किया गया, साथ ही संत श्री के बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान भी किया गया। कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। और घुड़सवार जो थे ओम प्रकाश जी लाइनमैन साहब और निरंजन सिंह है। जिस व्यक्तित्व के आगे संत शब्द लगता है, संत का स्वरूप ईश्वर स्वरूप हो जाता है, वो व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है और एक भगवान के रूप में उसकी पूजा अर्चना होने लगती है। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति आसानी से संत नहीं बन जाता जैसे आज बन रहे हैं। प्राचीन काल में जो संत हुआ करते थे उनमें एक अद्भुत अलौकिक शक्ति और देवता का वास होता था, तभी वो समाज को जागृत करते थे, समाज को विकृति से बचाते थे और समाज को आगे लाने के लिए कार्य करते थे। और उसी में अगर किसी का नाम सबसे श्रेष्ठ आता है तो संत गाडगे जी महाराज का नाम। और आज रजक समाज को मैं इस बात की बधाई दूंगा कि ऐसा संत विभूति जिसने देश में शिक्षा की पद्धति को लागू किया, स्वच्छता को लागू किया, उसका खून आपकी रग में है, इससे बड़े गर्व की बात रजक समाज के लिए। कोई काम छोटा नहीं होता जिससे हमारी आजीविका हमको प्राप्त हो, जिससे हमारे परिवार का लालन पोषण हो, वो काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस काम को करने में कतई कोई हुई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे दिल दिमाग में। साथियों, ये पुरस्कार का वितरण का कार्यक्रम चल रहा है।